कोरोना वायरस के चलते हम लोग इस टाइम अनलॉक 2 में एंटर कर चुके हैं, और इस अनलॉक 2 के अंदर सभी लोगों को इंतज़ार था कि धार्मिक स्थल जो है खुल जाने चाहिए, जिनमें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, और सभी लोग इस इंतज़ार में थे। और लोगों को ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इनको खोलने का जो है पूरी तरह से आदेश दे देंगे, लेकिन अनलॉक 2 के अंदर भी ये आदेश नहीं मिले। हालांकि देश के बाकी कोनों में जो हैं मंदिरों को खोलने के, जो हैं मस्जिदों को, गुरुद्वारों को खोलने के जो आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के कोई आदेश नहीं है। हमारे साथ शिव मंदिर बख्शीनगर के जो पंडित जी हैं, प्रहलाद तिवारी जी, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और वो अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी मंदिर बंद है, मंदिर खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, क्या आप चाहते हैं? नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा मंदिर खुलने चाहिए, मंदिर ज़रूरी है, सावन महीना चल रहा है, और पर लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए, लोगों भी अपनी सावधानी बरतें, और मंदिर तो ज़रूर खुलना चाहिए, पर लोगों में भी होना चाहिए अवेयरनेस, क्योंकि बीमारी ऐसी है। जब तक आप मंदिर वगैरह में क्या होता है, जब आप जाते हैं, दस से टच करते हैं, सुनते हैं, सोते हैं, 10 लोग एक बाल्टी लोटा को हाथ लगाएंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी वो हैं, परंतु उसके साथ मंदिर कमेटी को व्यवस्था करके ज़रूर खोलना चाहिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल, सभी लोग इंतज़ार करते थे, देश के बाकी कोनों में मंदिर खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं खोले गए हैं। तो एक बात बताएं, मंदिर हो या गुरुद्वारा, मस्जिद, जो भी चीज़ हो, यहाँ भीड़ होती है, और भीड़ों में ज़्यादा वो करना थोड़ा वो ठीक होता है। जम्मू बचा भी इसी वजह से, हम तो जानते हैं, हम सब समझते हैं, इस वजह हो सकता है इस वजह से बचाओ तो ठीक है, सुरक्षा के लिए जो किया जाए मैं तो उसको समर्थन करता हूँ। बिल्कुल, सुरक्षा के लिए सब लोग इस चीज़ को समर्थन करते हैं, लेकिन अगर मंदिरों की बात करें, गुरुद्वारों की, मस्जिद की, गिरजाघरों की, तो अनलॉक 2 के अंदर सभी लोगों का यही कहना है कि आखिरकार अब धार्मिक स्थलों को जो है खोल देना चाहिए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जब बाकी सारी चीज़ों के ऊपर से जो है रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, तो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर से भी ये रिस्ट्रिक्शन हटा देनी चाहिए। देखते रहें JK मीडिया, आशीष कोहली, कहना मैंने अशोक चोत्रा जी के साथ, JK मीडिया के लिए, हर हर महादेव।